student Muhammad Imran from City Public School. Student, I am going to teach chapter 2, exercise 2.1. Uska last question hai 10, question number 10. Show that the roots of the following equation, ye equation likhi hui hai, are equal. To aapko pehle do all real. आपको पहले दोनों पॉइंट्स याद रहने चाहिए कि अगर डिस्क पॉजिटिव परफेक्ट स्क्वायर हो फिर भी रियल होता है, और अगर डिस्क पॉजिटिव हो बट नॉट परफेक्ट स्क्वायर फिर भी रियल होता है. इसका मतलब ये हुआ कि इसमें कॉमन चीज ये है कि डिस्क पॉजिटिव आनी चाहिए. अगर हमारी डिस्क पॉजिटिव आ जाती है तो रूट्स आर रियल. तो हमें सिर्फ डिस्क निकालनी है जो कि पॉजिटिव नंबर आना चाहिए. तो क्या करेंगे, हम लिखेंगे डिस्क is equal to b square minus 4ac, और उसके बाद वैल्यू x के साथ जो भी होता है वो b है. ये b square minus 4a, लास्ट पे b minus c into ये a minus b, ये हमने वैल्यू लगा दी. उसके बाद सॉल्व करते हैं, ये फॉर्मूला बनेगा c square plus a square minus 2ac. ये a माइनस बी का होल स्क्वायर जैसे ओपन करते हैं वैसे ओपन किया है. इसी तरह ये माइनस फोर बाई रहेगा, और अंदर आप मल्टीप्लाई कर दें, b को a के साथ करेंगे तो ए बी माइनस का b स्क्वायर माइनस का ए सी और प्लस का a बी सी और ये प्लस का बी सी, इन दोनों को मल्टीप्लाई किया. उसके बाद ये फोर को भी मल्टीप्लाई कर दें, ये बनेगा c स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस टू ए सी माइनस फोर ए बी प्लस का फोर बी स्क्वायर प्लस का फोर ए सी और ये लास्ट पे माइनस प्लस माइनस माइनस का फोर बी सी. अब तरतीब लगा लें इसकी, सबसे पहले ए स्क्वायर वाली वैल्यू, फिर ये प्लस का फोर बी स्क्वायर वाली वैल्यू, और फिर प्लस का सी स्केयर वाली वैल्यू, ए स्केयर बी स्केयर सी स्केयर वाली. अब ए स्केयर बी स्केयर सी स्केयर, तो फिर ए बी वाली वैल्यू, ए बी वाली वैल्यू किधर है, ये है माइनस का फोर ए बी और ये की है लगा ले माइनस का फोर ए बी. उसके बाद ए बी बी सी वाली वैल्यू, बी सी ए बी बी सी सी ए. अब BC वाली कौन सी वैल्यू है, एक ये लास्ट पे है BC की वैल्यू, ये लगा ले माइनस का 4BC और फिर CA या AC वाली वैल्यू माइनस का 4AC प्लस का माइनस का 2AC प्लस का 4AC आएगा प्लस का 2AC. तो ये फार्मूला बन चुका है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 2AB माइनस 2BC माइनस 2CA. तो ये सारा फॉर्मूला बन चुका है, ये क्लोज हो जाएगा a माइनस 2b 4b स्क्वायर का 2b रह जाएगा और प्लस का c. माइनस क्यों लगा है, क्योंकि देखें यहाँ दोनों में ये जो माइनस का 4ac है इसमें और माइनस का 4bc है इसमें, दोनों में b कॉमन है तो b वाली वैल्यू के साथ फिर माइनस लगेगा, क्योंकि इसके साथ माइनस है इसके साथ माइनस है और इसमें क्या चीज कॉमन है, b कॉमन है तो b वाली वैल्यू फिर माइनस की लगेगी और ये होल स्क्वायर बन जाएगा. और देखें ये जो डिस्क है यहाँ पे डिस्क पॉजिटिव एंड परफेक्ट स्क्वायर, सो रूट्स आर रियल, हेंस प्रूफ. तो ये इसका आंसर आ चुका है. स्टूडेंट, अब हम चैप्टर 2 एक्सरसाइज 2.2 शुरू करते हैं. हमारा सबसे पहला टॉपिक है क्यूब रूट ऑफ यूनिटी. यूनिटी आपको पता है कि 1 को यूनिटी कहते हैं, 1 यूनिटी होती है, 1 के क्यूब रूट्स क्या होंगे, यही हमारा टॉपिक है. तो सबसे पहले देखें आप लेट कर ले, ये हमारा टॉपिक है आज का, और ये मैं पहला प्रूफ करवा रहा हूँ आपको क्यूब रूट ऑफ यूनिटी. लेट एक्स इज इक्वल टू क्यूब रूट ऑफ यूनिटी, क्यूब रूट को आपको पता है 1/3 लिखते हैं. लेट एक्स इज इक्वल टू
क्यूब रूट ऑफ यूनिटी मतलब 1 का क्यूब रूट, यही हमारा टॉपिक है। यूनिटी किसको कहते हैं? 1 को कहते हैं। तो 1 का क्यूब रूट हमने लेट कर लिया x है। अब दोनों तरफ का क्यूब ले ले, इधर भी क्यूब, इधर भी क्यूब ले ले, तो यहां तो ये x का क्यूब रह जाएगा, यहां क्यूब क्यूब से कट के 1 रह जाएगा, और फिर 1 को उस तरफ ले जाए, उधर जाके ये माइनस का हो जाएगा, इधर 0, ये 1 उधर जाके माइनस का हो जाएगा। आपको पता है 1 को 1 का क्यूब भी लिखा जा सकता है। तो देखें ये फार्मूला यही बन गया है, a क्यूब माइनस b क्यूब का फार्मूला बन गया ये, a क्यूब माइनस b क्यूब फार्मूला आपको आता है, a माइनस b a स्क्वायर प्लस a b प्लस b स्क्वायर, ये फार्मूला हम इधर यूज करेंगे, ये बन जाएगा x माइनस 1 इंटू x स्क्वायर प्लस x इंटू 1 प्लस 1 का स्क्वायर। तो ये मैंने फार्मूला लगा दिया इज इक्वल टू 0, ये बनेगा x माइनस 1 x स्क्वायर प्लस x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। जब दो प्रोडक्ट्स जो दो फैक्टर जो होते हैं वो 0 के इक्वल हो, उनको बारी बारी 0 के इक्वल रखा जा सकता है। x माइनस 1 इज इक्वल टू 0, x स्क्वायर प्लस x प्लस 1 इज इक्वल टू 0, इधर x की वैल्यू क्या आ जाएगी? 1। और यहाँ पे देखें आप, इसको सॉल्व करना है, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन चुकी है, इसको सॉल्व करने के 3 तरीके हैं। तो इसमें जो पहला तरीका है बाय फैक्टराइजेशन मेथड, वो यूज नहीं हो सकता, क्योंकि इसके फैक्टर नहीं बन सकते, 1 का कोई ऐसा फैक्टर नहीं है जिससे 1 आ जाए। तो यहाँ पे बाय फार्मूला इसको सॉल्व करते हैं, बाय क्वाड्रेटिक फार्मूला, हम इसको बाय क्वाड्रेटिक फार्मूला सॉल्व करते हैं, क्या हो जाएगा यहाँ पे, यहाँ x फार्मूला लिखेंगे, x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac ओवर 2a। तो स्टूडेंट इसमें वैल्यू पुट करें, ये बन जाएगा x इज इक्वल टू माइनस बी, बी 1 है, यहाँ माइनस 1 प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 1 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू माइनस का 4ac, यह 4ac आएगा, 4 इंटू 1 इंटू 1 ओवर 2 इंटू a, इधर 2 इंटू 1, ये फार्मूला पूरा हो गया। फार्मूले में वैल्यू पुट कर दी, ये क्या बन जाएगा, x इज इक्वल टू माइनस 1 प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस 4 ओवर 2। तो ये नेक्स्ट स्टेप में माइनस 1 प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ माइनस 3 ओवर 2 बन जाएगा। इसके दो बना ले वैल्यू, एक बन जाएगी x इज इक्वल टू माइनस 1 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ माइनस 3 ओवर 2, एक बन जाएगी x इज इक्वल टू माइनस 1 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ माइनस 3 ओवर 2। देखें ये प्लस माइनस के साथ है, एक दफा प्लस के साथ लिख दिया, एक दफा माइनस के साथ लिख दिया। अब ये जो आंसर आया है ये एक इमेजिनरी आंसर है, कॉम्प्लेक्स नंबर में ये आंसर आ गया है, ये एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, तो इनको आप इमेजिन कर लें, इनकी जगह पे वैल्यू लिख दे, ये मैं लिख रहा हूँ, इसको ओमेगा कहते हैं। तो ए को ओमेगा कह लें, किसी एक को कह लें, जरूरी नहीं है कि प्लस वाला ओमेगा है और ये माइनस वाला नहीं हो सकता, कोई एक भी बीच में से ओमेगा है, और ये जो दूसरा है इसको आप ओमेगा स्क्वायर कह लें, लेट कर लें नाम, एक ओमेगा है और दूसरा ओमेगा स्क्वायर है। इस तरह हमारे पास 3 आंसर आ गए हैं, एक आंसर ये निकला हुआ है, एक आंसर ये निकल गया, एक आंसर ये, 3 आंसर हैं। तो ये 3 जो आंसर है यही रूट्स हैं क्यूब रूट ऑफ यूनिटी, क्यूब रूट ऑफ यूनिटी कौन कौन से आए हैं, जो 3 आंसर आए हैं, 1 एक ओमेगा और एक ओमेगा स्क्वायर। आपको ये याद रहना चाहिए कि ओमेगा किसकी इक्वल है, माइनस 1 प्लस अंडर रूट ऑफ माइनस 3 ओवर 2, ये वैल्यू भी आपने याद रखनी है, ये एक ओमेगा है, एक ओमेगा स्क्वायर है,
बस ये याद रखे, आप किसी को भी ओमेगा कह लें दूसरा ओमेगा स्क्वायर होगा, क्योंकि आगे मैं आपको बताऊंगा ये प्रूफ भी आएगा। तो ये तीन क्यूब रूट ऑफ यूनिटी मैंने निकालिए हैं। इससे रिलेटेड एक्सरसाइज 2.2 में जो क्वेश्चन है उनको सॉल्व करते हैं।